हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन मूवी की डिटेल्स। यानी कि अगर फ्यूचर में ड्वेन जॉनसन के ब्लैक एडम की फाइट होती है हेनरी कैवल के सुपरमैन से, तो इन दोनों में से कौन विनर बन के निकलेगा। ऑब्वियसली ये सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या फ्यूचर में ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन की मूवी बनती है। लेकिन ब्लैक एडम के एंड क्रेडिट्स में हेनरी कैवल के सुपरमैन की एंट्री से ये कंफर्म हो रहा है कि डीसी फ्यूचर में ऐसी मूवी जरूर प्लान कर रहा है। तो क्या रिजल्ट निकलेगा जब मैन ऑफ स्टील फाइट करेगा पावर ऑफ शज़ाम से, चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो ब्लैक कॉर्नर पे हमारे साथ ब्लैक कपड़ों में विजर्ड्स की पावर्स के साथ ब्लैक एडम। लेकिन एक सुपर हीरो बनने से पहले ब्लैक एडम, जिसका नाम था टेथ एडम, एक फिक्शनल कंट्री खैंडैक से बिलोंग करता था। यहीं पर एक वॉरलॉर्ड इबैक और उसके आर्मी से भागते हुए इंजर्ड होने पे टेथ एडम और उसके नेफ्यू अमान दोनों ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की, जिस वजह से विजर्ड शज़ाम उनसे खुश हुआ और उन्हें पावर्स देनी चाहिए शज़ाम की। लेकिन टेथ एडम ने इस मोमेंट पे अपने नेफ्यू अमान को मार दिया और सारी पावर्स खुद के लिए रख ली। लेकिन ये कॉमिक्स की स्टोरी है जहाँ पर ब्लैक एडम को इनिशियली एक विलन के रूप में दिखाया गया था। अब डीसीयू में इस कैरेक्टर के ओरिजिन को चेंज किया गया है, जहां उसके नेफ्यू की जगह उसके बेटे हुरूट को विजर्ड्स का चैंपियन बनाया गया है और हुरूट अपने मरते हुए फादर टेथ एडम को बचाने के लिए अपनी शज़ाम वाली पावर उसे दे देता है। लेकिन इसके आगे की स्टोरी टेथ एडम को एक एंटी हीरो के रूप में ही दिखाती है, जहां वो खैंडैक में डिस्ट्रक्शन कॉज करता है जिसके बाद उसकी पावर छीन ली जाती है और अब 5000 साल बाद वापस आ चुका है ब्लैक एडम खैंडैक के एक प्रोटेक्टर के रूप में। वहीं दूसरी तरफ रेड कॉर्नर पे है रेड कपड़ों में क्रिप्टन प्लैनेट का एक रेफ्यूजी सुपरमैन। अपने होम प्लैनेट क्रिप्टन के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही सुपरमैन यानी कि काल एल को उसके पेरेंट्स ने एक स्पेसशिप में बिठा के अपने प्लैनेट से दूर भेज दिया था, जिसके बाद उसकी स्पेसशिप क्रैश लैंड हुई अर्थ पे, जहां उसे बड़ा किया कैंट्स ने उसे अडॉप्ट करके अपने बेटे के रूप में और उसका नाम रखा क्लार्क कैंट। अब बड़े होते हुए क्लार्क कैंट ने अपनी पावर्स धीरे धीरे डिस्कवर करना शुरू किया और साथ ही अपनी पास्ट की ओरिजिन स्टोरी और हिस्ट्री भी समझी, जिसके बाद वो बन गया इस प्लैनेट अर्थ का सुपर हीरो और उसे सुपरमैन नाम से बुलाया गया। तो ये तो थी हमारे दोनों कॉम्पिटिटर्स की ओरिजिन स्टोरी। अब बात करते हैं दोनों की पावर्स की। डीसी यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बींग्स में आता है ब्लैक एडम, जो सुपर हीरो शज़ाम का आर्च राइवल रहा है। और क्योंकि ब्लैक एडम और शज़ाम दोनों की ही पावर सेम विज़र्ड से आती है, तो उन दोनों के स्किल सेट्स और पावर्स सिमिलर ही है। ब्लैक एडम के पास है सुपर स्ट्रेंथ और फ्लाइट की एबिलिटी। इसके साथ ही उसे मिलती है लाइटनिंग अटैक्स की पावर, जो अपने हाथों से लाइटनिंग शूट कर सकता है, और ऑब्वियसली उसकी बॉडी इनडिस्ट्रक्टिबल है। लेकिन इसके साथ ही मैजिकल पावर्स होने की वजह से कॉमिक्स में उसके पास एक और एक्सप्लोसिव ब्लास्ट की पावर भी है, जो उसके ओपोनेंट पे आसमान से लाइटनिंग ब्लास्ट करवा सकती है, और उसे हराने के लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ की जरूरत है। और यही स्ट्रेंथ लेके आता है उसका ओपोनेंट यानी कि हमारा दूसरा कॉम्पिटिटर सुपरमैन। सन की पावर्स से लेस क्लार्क कैंट डीसी यूनिवर्स का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है। अब सुपरमैन की पावर में फ्लाइट और इनडिस्ट्रक्टिव बॉडी तो आती है, साथ ही वो हीट विजन, फ्रॉस्ट ब्रेथ और बुलेट से भी तेज स्पीड रखता है। उसका एक पंच शॉक वेव्स क्रिएट कर सकता है और इन सबके साथ उसके पास सुपर हेयरिंग पावर्स भी हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन मूवी में जब इनकी फाइट होगी तो कौन जीतेगा। पावर लेवल पे ब्लैक एडम और सुपरमैन दोनों की पावर्स काफी सिमिलर है। इनफैक्ट देखा जाए तो सुपरमैन के पास पावर्स के चॉइसेस हैं, जो उसे ब्लैक एडम के ऊपर एक अपर हैंड देता है। लेकिन फिर भी आज तक कॉमिक्स की सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम की वन ऑन वन बैटल में सुपरमैन कभी नहीं जीत पाया है। इसके दो रीजंस है और सेकंड रीजन काफी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट रीजन है मैजिकल पावर्स। अब इवन दो सुपरमैन और ब्लैक एडम की पावर्स सिमिलर होने के बावजूद सुपरमैन के पास पावर चॉइसेस है, लेकिन मैजिकल एबिलिटीज होने की वजह से ब्लैक एडम यहाँ पर सुपरमैन से इजीली जीत सकता है, क्योंकि कॉमिक्स में सुपरमैन की वीकनेस रही है मैजिक। कॉमिक्स और एनिमेशन शोज में जितनी बार भी सुपरमैन और ब्लैक एडम की फाइट हुई है, या तो सुपरमैन हारा है या फिर उसे मदद लेनी पड़ी है शज़ाम या फिर जस्टिस लीग की। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि लाइव एक्शन में ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन मूवी में हमें शज़ाम, जस्टिस लीग और जस्टिस सोसाइटी तीनों एक साथ देखने मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सुपरमैन के हारने के दूसरे रीजन की, जो है सुपरमैन का अपनी पावर्स होल्ड बैक करना। अर्थ पे बड़े होने के बाद इनिशियली ही सुपरमैन ने ये डिस्कवर कर लिया था कि उसकी पावर्स बाकी ह्यूमन से काफी ज्यादा है, जिस रीजन से वो हमेशा फाइट करते वक्त अपनी पावर्स होल्ड बैक करता है। लेकिन इसी जगह ब्लैक एडम को सेल्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से वो रूथलेस होके फाइट करता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक इंस्टेंस पे इनजस्टिस कॉमिक सीरीज में रूथलेस सुपरमैन दिखा था, जिसने अपनी पावर्स को कंट्रोल किए बिना ब्लैक एडम से फाइट किया, लेकिन वो तब भी वहां हारा और उसे मदद लेनी पड़ी जस्टिस लीग की। ऑल्दो ये कॉमिक्स की स्टोरी है और डीसीयू में लाइव एक्शन में हमें अभी तक एक रूथलेस सुपरमैन नहीं दिखा है, और क्या फ्यूचर में ऐसा होगा वो अभी नहीं कहा जा सकता।
अब ऑल तो मैंने सिर्फ दो पॉइंट्स कहे थे, लेकिन यहाँ पर एक और थर्ड पॉइंट है जो डीसी कॉमिक्स और डीसीईयू को टोटली सेपरेट करता है। और ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन मूवी के फ्यूचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज भी यही है जिसे हम मिस कर रहे हैं, और वो ये है कि कॉमिक्स में ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन की फाइट्स में ब्लैक एडम हमेशा ही एक विलन के रूप में रहा है, जो रीजन था कि किसी ना किसी तरह से इस फाइट के एंड में ब्लैक एडम के हारने का। बट डीसीयू में ब्लैक एडम एक एंटी हीरो और मोर ओवर फ्यूचर में एक सुपर हीरो के रूप में दिखेगा, जिसके सिर्फ जस्टिस करने के तरीके बाकी सुपर हीरो से थोड़े अलग रहेंगे। तो ऐसे में सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम मूवी फोकस्ड रहेगी एक राइवलरी पे जो लॉन्ग टर्म तक चलनी चाहिए, यानी कि एक ऐसा बिल्डअप जो इन दोनों कैरेक्टर्स की वजह से मौका देगा किसी और सुपर विलन को केओस क्रिएट करने का, जिसके एंड में दोनों को ही ना चाहते हुए भी साथ में मिलकर लड़ना पड़ेगा मेन विलन से। ऐसे ही कुछ ब्लैक एडम के प्रोड्यूसर हिरम गार्सिया ने हिंट दिया है। हेनरी केवल के सुपरमैन और रॉक के ब्लैक एडम की फाइट के बारे में उनके हिसाब से ये लड़ाई एक लॉन्ग फॉर्म स्टोरी के रूप में प्लान्ड होगी, ना कि एक वन ऑफ मूवी जिसके एंड में सब सॉर्ट हो जाए। डीसी का प्लान है एक लॉन्ग फॉर्म स्टोरी के रूप में कई डिफरेंट पार्ट्स में इन दोनों की राइवलरी दिखाने का, जो मल्टीपल मूवीज में दोनों ही कैरेक्टर को फिर से अपीयर होने का मौका देगा, जहां सेम यूनिवर्स में एग्जिस्ट होते हुए दोनों को ही एक दूसरे से डील करते हुए दिखाया जाएगा। एंड मे बी डीसी के फैंस भी यही चाहेंगे कि इतने टाइम से जिस मूवी के वेट सभी कर रहे थे उसे बस वन ऑफ बैटल में नहीं बल्कि प्रॉपर स्टोरी लाइन फॉलो करके दिखाया जाए। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। ब्लैक एडम की हिडन डिटेल्स के लिए स्क्रीन से ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।